चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं समसामयिक की घटनाचक 2019 का वार्षिकांक। तो इसमें हम लोग खत्म कर चुके हैं राष्ट्रीय परिदृश्य, फिर बात की थी हमने वैश्विक परिदृश्य की, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, फिर हम लोग बात कर रहे थे आर्थिक परिदृश्य। इसमें हम लोग केंद्रीय बजट को खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब देखना है हम लोगों को आर्थिक समीक्षा 2018-19। ठीक, तो याद रखना जितने भी ये लेक्चर बन रहे हैं ये सभी आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएंगे, वो है हमारी अपनी समसामयिक की घटनाचक 2019 के नाम से जो सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक, वित्तीय वर्ष 2018-19 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने 4 जुलाई 2019 को संसद में प्रस्तुत किया है। इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा के मुख्य पृष्ठ का स्काई ब्लू रंग नीले गगन के समान विस्तृत विचारधारा के प्रतीक के रूप में चुना गया। आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार वैश्विक उत्पादन वृद्धि दर वर्ष 2017 के 3.8% से घटकर वर्ष 2018 में 3.6% हो गई और वर्ष 2019 में इसके और गिरकर 3.3% होने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर विगत 5 वर्षों में औसतन 7.5% रही, जबकि केवल 18-19 में 2018-19 में 6.8% रही, जो वर्ष 2017-18 की वृद्धि दर से थोड़ी कम है। ठीक है, बात करते हैं जीडीपी की प्रतिशत के रूप में सकल बचत। तो कुल बचत की बात करें तो 2015-16 में 31.1%, 2016-17 में 30.3%, 2017-18 में रहा है 30.5%। सार्वजनिक की बात करें तो इसमें 1.2%, 16-17 में रहा है 1.7%, और 17-18 में 1.7%। निजी कॉरपोरेट की बात करें तो 2015-16 में 11.9%, 16-17 में 11.5%, और 17-18 में 11.6%। परिवार सेक्टर की बात करें तो 2015-16 में 18%, 2016-17 में 17.1%, और 17-18 में 17.2% रहा। निवल वित्तीय बचत की बात करें तो 8.1% रहा 2015-16 में, 16-17 में 6.3%, और 17-18 में 6.6%। वास्तविक बचत तो 15-16 में रहा था 9.9%, 16-17 में 10.8%, और 17-18 में 10.6%। ठीक, अब बात करते हैं प्रमुख संकेतक जीडीपी और संबंधित संकेतक 2017-18 के, ये 18-19 के। जीडीपी वृद्धि दर प्रतिशत में तो 7.2% रही 2007-18 में, 17-18 में, और 18-19 में 6.8%। जीबीए वृद्धि दर तो 6.9% रही 17-18 में, 18-19 में 6.6%। सकल बचत 30.5%, अभी इसके क्लियर नहीं। सकल पूंजी निर्माण 32.3%। प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों पर तो इसकी रही है 1,14,958 17-18 में रहा, और 18-19 में 1,26,406 रुपये। ठीक, उत्पादन खाद्यान्न का तो 17-18 में रहा 285 मिलियन टन, और 2018-19 में 283.4 मिलियन टन। बिजली उत्पादन की बात करें तो वृद्धि की प्रतिशत में तो 4.0% 17-18 में, 19-18-19 में 3.5%। चालू खाता शेष तो जीडीपी का तो 17-18 में रहा 1-1.9%, और 18-19 में 2.6%। स्थूल मुद्रा तो याद रखना 9.2% रहा 18-17-18 में, और 19-18-19 में 10.5%। ए अंतरिम अनुमान, बी तीसरा अग्रिम अनुपात, और सी अप्रैल-दिसंबर 2018, और डी का अंतरिम वास्तविक। ठीक, अब बात कर लेते हैं आर्थिक गतिविधियों के अनुसार मूलभूत कीमतों पर सकल
मूल्य। एक कृषि वास्तविक वृद्धि दर है, वर्तमान कीमतें कीमतों पर हिस्सा। ठीक, तो संबद्ध कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र तो 17-18 में 5%, 18-19 में 2.9% और वर्तमान हिस्सा कीमतों पर तो 17-18 में 17.2% और 18-19 में 16.1%। उद्योग क्षेत्र की बात करें तो 5.9, 6.9, 29.3, 29.6। सेवा की बात करें तो 17-18 में वास्तविक वृद्धि की बात करें तो 8.1%, 18-19 में 7.5 और वर्तमान कीमतों पर हिस्सा 53.5% रहा है 17-18 में और 18-19 में 54.3%। मूलभूत कीमतों पर जीवीए तो ये 17-18 में रहा था 6.9% और 18-19 में 6.6%, और वर्तमान कीमतों की बात करें तो इसमें 17-18 में रहा 100% और 100%। ठीक, वर्ष 2018 में वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर दर्ज की गई, परंतु 2017 में के 8.4% की तुलना में कम ही रही। तथापि माल संबंधित सेवाएं वर्ष 2017 के 8.3% से बढ़कर 2018 में 10.6% हो गई। वस्तु निर्यात एवं वस्तु आयात दोनों की वृद्धि वर्ष 2016-17 16-18 तक तेजी से बढ़ती थी। इसके बाद वस्तु निर्यात की वार्षिक वृद्धि वर्ष 2017-18 की 10% से गिरकर 18-19 में 8.8% रह गई। ठीक, अब बात करते हैं प्रमुख फसल उत्पादन शीर्ष 3 राज्य। ठीक, तो ये 17-18 की, ठीक है, आर्थिक समीक्षा अंग्रेजी संस्करण के अनुसार, आर्थिक समीक्षा हिंदी संस्करण के अनुसार। ठीक, तो चावल की बात करें ये अंग्रेजी संस्करण के अनुसार है, याद रखना मुझे हिंदी के। ठीक, तो अंग्रेजी को अच्छा माना जाता है इसके अनुसार, तो इसी में देख लेते हैं। ठीक, इसे भी देख लेना आप लोग, जरूरी हो तो। प्रथम पर चावल में, चावल में प्रथम पर पश्चिम बंगाल, द्वितीय नंबर पर पंजाब और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और हिंदी संस्करण में भी यही है। गेहूं की बात करें तो गेहूं में उत्तर प्रदेश पहले नंबर, फिर पंजाब, फिर मध्य प्रदेश। और इसमें आर्थिक समीक्षा हिंदी संस्करण में तो पहले पर उत्तर प्रदेश इसमें, लेकिन इसमें द्वितीय नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पे पंजाब। मक्का की बात करें तो कर्नाटक, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। प्रथम पर कर्नाटक, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर मध्य प्रदेश। हिंदी संस्करण में पहले पर मध्य प्रदेश को दिया गया, दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे पर मध्य प्रदेश। ठीक, मोटे अनाज की बात करें तो राजस्थान पहले नंबर, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर महाराष्ट्र। चना की बात करें तो पहले पर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और राजस्थान। दालों की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले नंबर, राजस्थान दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे। कुल खाद्यान्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले पर, मध्य प्रदेश दूसरे, पंजाब तीसरे। मूंगफली की बात करें तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश। सोयाबीन की बात करें तो पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। सूरजमुखी की बात करें तो कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, क्रमशः 1, 2, 3 पर दिए गए, याद रखना। गन्ना की पहले पर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, दूसरे पर, तीसरे पर कर्नाटक। कपास की बात करें, कॉटन, तो पश्चिम बंगाल, गुजरात पहले नंबर पर, फिर उसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना। कपास में गुजरात पहले पर है, फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर तेलंगाना। जूट की बात करें, जूट और मिश्ता, तो पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर असम। ठीक है, शेष क्रम में हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता है, किंतु अंग्रेजी संस्करण को सही मानना उचित है क्योंकि आरबीआई की रिपोर्ट से यही मेल खाता है। तो याद रखना है, जो अंग्रेजी में संस्करण दिए गए आप लोगों को वही याद रखना है। ठीक, वस्तु आयात की वार्षिक वृद्धि दर फॉर वर्ष 2018 के 21.1% से गिरकर वर्ष 2018-19 में 10.4% रह गई। विश्व बैंक अप्रैल 2019 के अनुसार भारत वर्ष 2018 में 78.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष पर से धन प्राप्त करता देश रहा है। चालू
खाता घाटे पर चलने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक तथा विश्व के सभी देशों के बीच आठवां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। विश्व बैंक के आंकड़ों पर आधारित विदेशी ऋण की अंतर्राष्ट्रीय तुलना यह दर्शाती है कि वर्ष 2017 में शीर्ष 20 विकासशील कर्जदार देशों में विदेशी ऋण एवं सकल राष्ट्रीय आय के अनुपात में भारत सबसे कम ऋणी देशों में चौथा स्थान पर है, जबकि चीन 14% के साथ सबसे कम ऋणी देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सर्वाधिक निर्यातमुक्त देश बना हुआ है, जिसका वर्ष 2018-19 में भारत के निर्यात में योगदान 15.9% है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, फिर उसके बाद चीन और फिर हांगकांग। तथापि वर्ष 2018-19 में नीदरलैंड को किए गए भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी सर्वाधिक थी, इसके बाद चीन और फिर नेपाल। ठीक है, चीन भारत के आयात का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है, जो 2018-19 में कुल आयातित मूल्य का 13.7% है। अमेरिका 6.9%, यूएई 5.8%, सऊदी अरब 5.5%। अन्य महत्वपूर्ण देश हैं जिनसे भारत आयात करता है। वृद्धि दर के अर्थ में वर्ष 2018-19 में सिंगापुर 118.1% से आयात सर्वाधिक रहा है। इसके बाद हांगकांग 68.5, यूएई 37.0% का स्थान। जबकि चीन भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है, परंतु चीन से भारत का आयात वर्ष 2018-19 में 17-18 में 76.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वर्ष 2018-19 में 70.9 बिलियन हो गया, जो ऋणात्मक वृद्धि को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2017-18 में शीर्ष 5 वस्तुओं का निर्यात 50% हिस्सा पेट्रोलियम उत्पाद, मोती मूल्यवान अर्धमूल्यवान पत्थर, फिर ड्रग फार्मुलेशन, फिर जैविक खाद, फिर स्वर्ण, अन्य मूल्यवान धातु आभूषण 4.22%, फिर लोहा इस्पात 3.7%। वर्ष 2017-18 में शीर्ष 5 वस्तुओं का आयात, याद रखना ये निर्यात है, ये आयात प्रतिशत में, क्रूड पेट्रोलियम, फिर मोती मूल्यवान अर्ध मूल्यवान पत्थर, फिर तीसरे नंबर स्वर्ण, फिर कोला, कोक, बिकेट, फिर दूर संचार के उपकरण। वर्ष 2017-18 में भारत की शीर्ष 5 निर्यात स्थल तो संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फिर हांगकांग, फिर चीन, फिर सिंगापुर। और आयात की बात करें 2017-18 में भारत के शीर्ष 4-5 आयात स्थल तो चीन पहले, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब अमीरात और फिर स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे बात करते हैं रोजगार सृजन सेक्टर की हिस्सेदारी। सेवा सेक्टर की हिस्सेदारी वर्ष 2017 में 34% है, जो जीवीए में अपने 54% हिस्सेदारी से महत्वपूर्ण रूप से कम है। वर्ष 2018-19 के दौरान सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी अंतर्वाह पिछले वर्ष के लगभग 28.26 बिलियन डॉलर से 696 मिलियन अमेरिकी डॉलर घट गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 35 करोड़ अधिक खाते खोले गए हैं, याद रखें प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कितने खाते खोले गए, 35 करोड़ से अधिक। कार्यकारी आयु जनसंख्या वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या का 50.5% थी, जो वर्ष 2041 में बढ़कर लगभग 60% हो जाएगी। ठीक, कार्यकारी आयु में 20 से 59 वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है। वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में शीर्ष 3 राज्य थे, गोवा कितनी है 3,75,550 रुपये, फिर सिक्किम 2,70,572, फिर हरियाणा। तो याद रखना प्रति व्यक्ति आय में के संदर्भ में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं, गोवा, सिक्किम, हरियाणा। प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद वृद्धि 2016-17 में वर्तमान कीमतों पर शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार वर्ष 2018 में भारत अमेरिकी डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति क्षमता
समता आयोजन के साथ अंतरराष्ट्रीय डॉलर में भारत जीडीपी का स्थान विश्व में तीसरे पर। तो याद रखिए जीडीपी के संदर्भ में विश्व की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति के मामले में तीसरे नंबर पर है भारत। भारतीय कपड़ा उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक है। कपड़ा और वस्त्र उद्योग के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा 5% है। कपड़ा उद्योग कृषि के सबसे बड़ा नियोक्ता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 में निर्माण वर्ष घोषित किया है। याद रखने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 को निर्माण वर्ष घोषित किया है। पतनों के माध्यम से मात्रा की दृष्टि से लगभग 90% और मूल्य की दृष्टि से 70% आयात निर्यात माल का आवागमन होता है। दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है जो विश्व के कुल उत्पादन का 20% उत्पादन करता है। वर्ष 2017-18 में दुग्ध उत्पादन 176.3 मिलियन टन रहा। देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता पंजाब में 1120 ग्राम है। तो याद रखना प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कहाँ है सबसे ज्यादा, पंजाब में, ठीक है, 1120 ग्राम। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। वर्ष 2018-19 में मछली का उत्पादन 13.7 मिलियन टन रहा। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप संख्या की दृष्टि से तीन स्थल क्रमशः महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली है। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप सूचना प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग में है। वैश्विक स्तर पर भारत जापान को पछाड़ते हुए 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक हो गया। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता रहा। भारत फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, चमड़े के परिधान का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, चमड़े के सामान का पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक, याद रखना वर्ष 2017 में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का स्थान विश्व में आठवा, निर्यात में आठवा और आयात में दसवा है। सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह भारत में होने वाले कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का 60% से अधिक है। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत 189 देशों में 130वें स्थान पर है। वर्ष 2018 में एसडीजी भारत सूचकांक में केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु शीर्ष तीन स्थानों पर विराजमान है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, असम सबसे निचले स्थान पर हैं। केंद्र सरकार की प्राप्तियां व्यय जीडीपी प्रतिशत के रूप में 2017-18 में राजस्व प्राप्तियां 8.4%, कर राजस्व में राज्यों का निवल हिस्सा 7.3%, राजस्व व्यय 11.0%, इनमें राजकोषीय घाटा 3.5%, ब्याज अदायगी 3.1%, प्रमुख सब्सिडियां 1.1%, रक्षा व्यय 1.1%। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आर्थिक समीक्षा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय आय। ठीक है, आर्थिक समीक्षा देख ली 18-19 की। ठीक, चलिए तो हम लोग राष्ट्रीय आय देख लेते हैं। अनंतिम अनुमान 2018-19 के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय आय की अंतिम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा 31 मई 2019 को जारी की गए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में जीडीपी वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान है, जबकि फरवरी 2019 में जारी द्वितीय अग्रिम अनुमानों में यह 7.2% थी। ठीक है, स्थिर कीमतों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 140.78 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो वर्ष 2017-18 के प्रथम संशोधित अनुमानों की तुलना में 6.8% है। ठीक,
वर्ष 2018-19 में चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2017-18 की प्रथम संशोधित अनुमानों की तुलना में 11.2% वृद्धि के साथ 190.10 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर अनुमानित है। वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर वास्तविक सकल मूल्य वर्धन वर्ष 2017-18 के प्रथम संशोधित अनुमानों की तुलना में 6.6% के साथ 129.7 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। वर्ष 2018-19 में सकल राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों पर 139.32 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। चालू कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय वर्ष 2018-19 में 178.17 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। यह वर्ष 2017-18 के 169.10 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 11.3% अधिक है। वर्ष 2018-19 में स्थिर एवं चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 92,565 रुपये और एवं 12,126,406 रुपये अनुमानित है। बात कर लेते हैं कॉरपोरेट कॉरपोरेट टैक्स में कटौती। 20 सितंबर 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक में आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निगम कर की दर में कटौती की घोषणा की है। कंपनियों के लिए निगम कर की दर की आधार पर 30% से अधिक घटाकर 22% कर दी गई है। इसमें निगम कर की प्रभावी दर 34.94% से कम होकर 25.17% हो गई, जिसमें आधार अधिभार व एवं उप कर भी शामिल है। यह वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर भी देने की आवश्यकता नहीं है। विनिर्माण क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली तथा 31 मई 2023 से पूर्व उत्पादन शुरू करने वाली घरेलू कंपनियों के लिए निगम कर की दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई है, जिससे इन कंपनियों के लिए प्रभावी निगम कर की दर 17.01% पर आ जाएगी। इस कंपनियों को भी न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट प्राप्त होगा। चलिए, तो ये था हमारा अभी तक हो गया आर्थिक समीक्षा 2018-19 तक की। आगे हम लोग बात करेंगे प्रमुख नीतिगत दस्तावेज और घटनाक्रम। ठीक है।